आज हम बनाने वाले हैं नींबू पुदीना मसाला ड्रिंक। आप चाहे तो इसे मॉकटेल भी कह सकते हैं, समर ड्रिंक भी कह सकते हैं और मिंट लेमोनेड भी कह सकते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती है भैया। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं नींबू और पुदीने को मिलाकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ड्रिंक, और जब हम इसमें ऐड करेंगे ये मसाले तो ये बन जाएगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नींबू पुदीना मसाला ड्रिंक, जो कि ना केवल बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी बल्कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। हमने यहाँ पर लिए हैं पुदीने की 3 डंडियाँ, और हम इनमें से पत्ते निकाल लेंगे और फिर अच्छे से धोने के बाद हम एक पेस्ट इनका बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पर सेम मैंने बनाया हुआ है। देखिए ये पेस्ट तैयार है ना, तो बस हम इस पेस्ट को अब यूज़ करेंगे और इन पत्तों को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिए हैं 2 नींबू और ये है भुना हुआ जीरा, जिसे कि मैंने तवे में भुना है और उसके बाद मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है। ये है काला नमक, ये है सफ़ेद नमक और ये है चीनी। तो चलिए अब करते हैं अपने टेस्टी ड्रिंक को बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर जो ये ग्लास है ना, इससे मैं तकरीबन 3.5 गिलास ड्रिंक बना करके तैयार करूँगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 6 चम्मच चीनी, और 6 चम्मच चीनी काफ़ी है, और बाकी तो आप जैसे आपको मीठा पसंद हो आप कम और ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर लेंगे 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम काला नमक, 1 चम्मच पूरा भर करके भुने हुए जीरे का पाउडर और पुदीने का पेस्ट, और साथ ही में ऐड करेंगे 2 नींबुओं का रस। तो इन्हें हमने कट कर लिया है और अब हम यहाँ पर नींबुओं का रस निचोड़ रहे हैं। देखिए बहुत ही इजी ये ड्रिंक है, बहुत ही ज़्यादा जबकि ये टेस्टी बनती है, और आप चाहे तो इन गर्मियों में ना डेली रूटीन में इस ड्रिंक को बना करके पी सकते हैं, क्योंकि भी नींबू और पुदीना तो अक्सर गर्मियों में हर किसी के घर रहता ही है ना, और ये ड्रिंक जब इतनी ज़्यादा फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखती है, तो भला क्यों ना बनाएं। तो देखिए एक ही ग्लास में मैंने सारे के सारे इन्ग्रीडियंट्स को कर लिया है ऐड, और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी और इन्हें घोल लेंगे अच्छे से एक ही साथ। तो ना केवल आप खुद बना करके पी सकते हैं बल्कि जब कभी आपके घर में गेस्ट वगैरह आए ना, तब भी आप ये ड्रिंक बना करके उनके आगे सर्व कर सकते हैं। सच मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ड्रिंक ये बन करके तैयार होती है। तो अब हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है नॉर्मल टेम्परेचर में जो सिंपल पानी होता है ना, वो वाला पानी ऐड करके हम इसे अच्छे से घोल लेंगे, क्योंकि अगर हम ठंडा पानी रखते हैं ना तो ठंडे पानी में चीनी जो है बहुत जल्दी नहीं घुल पाती, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप जो है ना नॉर्मल पानी ही लीजिएगा। और बस इसे अच्छे से हम घोल लेंगे, और अब देखिए ये घुल चुका है। तो हम लेंगे यहाँ पर 2.5 गिलास पानी एक जार में, और उसमें इस जो मसाला वाला पानी है इसको अच्छे से छान करके ऐड कर लेंगे, और जैसे हम इसे उसमें डाल देंगे ना तो चम्मच की हेल्प से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इवनली पूरे जो पानी है उसमें ये मसाला जो ड्रिंक है वो ऐड हो जाए। हाँ एक बात और, हमने जो यहाँ पर मसाला ड्रिंक तैयार की है तो इसमें हमने नॉर्मल पानी ऐड किया है, आप चाहे तो उसमें सोडा वाटर, स्प्राइट या फिर लिमका भी ऐड कर सकते हैं, उस केस में आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। और अब हमने यहाँ पर सर्व कर लिया है अपनी टेस्टी नींबू पुदीना मसाला ड्रिंक को। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।